हेलो एवरीवन दिस इज ये वंदिनी शर्मा वेलकम बैक टू माय चैनल पी ट्यूटोरियल सो इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू टेक चैप्टर नंबर एट कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी बुक ओके सो एज द नेम ऑफ दिस चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ सो वॉट इज द क्वान्टिटी क्वान्टिटी का मतलब क्या है क्वान्टिटी एक नंबर है क्वान्टिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं लाइक योर मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स दिए जाते हैं वेल्यूएशन होता है तो उन मार्क्स को हम क्या है रीड कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं राइट right? इसी तरीके से वेट किसी भी चीज़ का वेट उसको हम मेजर कर सकते हैं केजी में ग्राम में मिलीग्राम में कोई भी यूनिट हो में हम उसको मेजर कर सकते हैं इसी तरीके से हाइट हाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं सो देर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी मेजर और कैन बी काउंट दोज आर नथिंग बट द क्वान्टिटीज उन्हें हम क्या बोलते हैं क्वान्टिटीज़ बोल सकते हैं तो क्वान्टिटी आपकी एज भी हो सकती है आपकी सैलरी हो सकती है आपके मार्क्स हो सकते हैं आपकी हाइट हो सकती है आपका वेट हो, हो सकता है एनी थिंग दैट कैन बी मेजर और दैट कैन बी काउंटेबल ओके क्वान्टिटी का मतलब समझ में आ गया उसके बाद कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ इन डे टू डे लाइफ वी फेस मैनी सिचुएशन वे आर वी कंपेयर दीज क्वान्टिटीज़ में अगर हम मार्क्स की ही बात करें रिजल्ट की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि उसके इस सब्जेक्ट में इतने मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए या मेरे इतने मार्क्स कम आए इस सब्जेक्ट में तो आप क्या एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं या मेरा वेट उसके वेट से ज़्यादा है या मेरी एज मेरे फादर की एज से बहुत कम है ओके okay? तो इस तरीके का हम डेली लाइफ में कंपैरिजन करते हैं सो दिस इज़ व्हाट कंपेयरिंग क्वांटिटीज दिस विल ऑल कम अंडर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ओके सो लेट्स एग्जांपल्स बिफोर स्टार्टिंग मेन टॉपिक ओके सो लेट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज सीमा हैज थ्री टाइम्स द चॉकलेट दैट अक्की हैज सीमा के पास अक्की से थ्री टाइम्स ज्यादा चॉकलेट्स हैं मीन्स अक्की के पास जितनी चॉकलेट्स हैं उसका थ्री टाइम्स सीमा के पास है अगर सपोज अक्की के पास टैन चॉकलेट्स हैं तो सीमा के पास कितनी हो जाएंगी टेन इंटू थ्री मीन्स थर्टी चॉकलेट्स ओके सिचुएशन क्या है कि सीमा के पास अक्की से अक्की का थ्री टाइम्स चॉकलेट है जितना भी अक्की के पास चॉकलेट है उसका थ्री टाइम्स सीमा के पास होंगी तो अगर सपोज अक्की के पास टेन चॉकलेट्स हैं तो सीमा के पास कितनी हो जाएंगी? थर्टी ओके okay? अब इस सिचुएशन को हम उल्टा भी बोल सकते हैं अभी हम यहाँ सीमा की बात कर रहे थे कि सीमा अक्की का थ्री टाइम्स चॉकलेट रखती है तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा अक्की हैज़ वन थर्ड द चॉकलेट्स दैट सीमा हैज थ्री टाइम्स का उल्टा क्या होगा रेसी प्रोकल वन थर्ड वन अपॉन थ्री थ्री का रेसी प्रोकल क्या होगा वन अपॉइंट थ्री ओके okay, तो यहां सिचुएशन को हम उल्टा कर रहे हैं क्या अक्की वन थर्ड द चॉकलेट्स दैट सीमा हैज ओके तो इस सिचुएशन को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं मीनिंग क्या है सेम है ओके सी हियर द एग्जांपल नंबर टू मीराज मार्क्स इन मैथ्स इज टू टाइम्स द मार्क्स ऑफ करिश्मा इन मैथ्स मीरा के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? जितने करिश्मा के मार्क्स मैथ्स में है उसका टू टाइम्स ठीक है सपोज अगर करिश्मा के मार्क्स मैथ्स में फोर्टी हैं आउट ऑफ एटी आउट ऑफ एटी देन मीरा के मार्क्स कितने होंगे टू टाइम्स ऑफ फोर्टी मीन्स टू इन टू फोर्टी दैट इज एटी मीनस एटी मार्क्स तो मीरा के मार्क्स करिश्मा के मार्क्स का कितना है डबल है टू टाइम्स है ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा फॉर्टे सो वॉट एवर द मार्क्स ऑफ करिश्मा इन मैथ्स इज मीराज मार्क्स विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ओके सिमिलरली सी दिस एग्जाम्पल नंबर थ्री द स्पीड ऑफ अ मैन इज वन सिक्स ऑफ द स्पीड ऑफ चीता मैन की स्पीड चीता की स्पीड का कितना है वन सिक्स टाइम्स है ओके अगर सपोज चीता की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है स्पीड की यूनिट क्या यही होती है किलोमीटर पर आवर ओके तो अगर स्पीड चीता की कितनी है 150 है सपोज इट इज़ नॉट फिक्स सपोज इफ इट इज़ 150, देन द स्पीड ऑफ मैन विल बी वन सिक्स ऑफ दिस वन फिफ्टी मीन्स वन फिफ्टी का वन बाई सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सिक्स से जब आप कैंसल आउट करेंगे वन फिफ्टी को तो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर ओके okay? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्पल्स में कंपेयर ही तो कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल में आप स्पीड को कंपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम्पल में आप मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल में आप क्वांटिटी चॉकलेट्स की स्ट्रेंथ को कि चॉकलेट्स किसके पास कितनी ज़्यादा कितना टाइम्स है तो यहाँ पर जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स किसमें हम कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज़ ऑफ अदर और हाउ मेनी पार्ट्स अ क्वांटिटी इज ऑफ अदर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना टाइम्स है या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना पार्ट है इसी तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं तो इस कंपैरिजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो से ये जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स और इन द टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स इन द टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज ऑफ अदर और इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स अ क्वांटिटी इज ऑफ अदर वी रिप्रेजेंट बाई रेशियो और रेशियो हम क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं तो जस्ट वी विल रिकॉल इट ओके सो द फर्स्ट वे ऑफ कंपेयरिंग क्वान्टिटी दैट वी विल डिस्कस यर दैट इज रेशियो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो रेशियो का क्या मतलब है रेशियो इज़ अ माथड रेशियो इज़ अ मैथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वान्टिटीज बट इन द टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स ये जितने भी हमने अर्लियर एग्जाम्पल्स डिस्कस किए वो उन सब में हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वान्टिटी दूसरी क्वान्टिटी का कितना टाइम्स है या एक क्वान्टिटी दूसरी क्वान्टिटी का कितना पार्ट्स है ठीक है सो दिस वे ऑफ कंपेरिजन इज रेशियो सो रेशियो इज अ कंपेरिजन Between two quantities, in terms of how many times, okay? In terms of how many times a quantity is of other, okay? So let's see this example. Amit's height is one sixty centimeter, and Radha's height is eighty centimeter. Now here we have to compare their height, okay? So let's see how many times of Radha's height the Amit heights will be. राधा की हाइट का यहां पर देखकर ही पता चल रहा है कि 160 सेंटीमीटर अमित की हाइट है और राधा की हाइट कितना है एट्टी सेंटीमीटर इट मीन्स अमित हाइट इज मोर देन राधाज हाइट नाउ वी विल चेक हियर हाउ मेनी टाइम्स कितना टाइम्स जाता है ओके सो फॉर दैट वी विल कैलकुलेट हियर रेश्यू सो हाउ अमित हाइट अमित हाइट इज टू ये इज टू ये जो कॉलन का साइन है डबल डॉट एक दूसरे के ऊपर ये जो दो टू डॉट्स लग रहे हैं ये किसका ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो का सिंबल है ठीक है ये भी आपको याद रखना है और सिक्स क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं सो दिस इज द सिंबल फॉर रेशियो सो अमित हाइट इज टू राधाज हाइट वॉट विल बी तो जिसका हम पहले लिख रहे हैं ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है अमित की हाइट इसका नंबर हम पहले लिखेंगे तो अमित की हाइट कितना है वन सिक्सटी इज टू रेशियो का साइन देन राधास हाइट राधास हाइट इज हाउ मच एट्टी ओके हाउ वी राइट दिस वन सिक्सटी एज न्यूमिनेटर अपॉन नन दिस एट्टी एज डिनोमिनेटर रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं किस तरीके से पहली जो क्वांटिटी है पहला है जो नंबर है उसको हम न्यूमिनेटर लेते हैं ठीक है और जो दूसरा नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं सो वन सिक्सटी अपॉन एट्टी इफ वी सिंप्लीफाई इट सो जीरो विल कैंसल आउट विद जीरो एंड एट टू जिक्सटीन इट मीन्स टू अपॉन वन ओके अगेन इफ वी राइट दिस फ्रैक्शन एज रेशियो सो हाउ विल वी राइट फर्स्ट वी विल राइट दिस न्यूमिनेटर टू देन इज टू दैन वन टू इज टू वन तो यहाँ पर अमित और राधा की हाइट का रेशियो कितना आ रहा है टू इज टू वन का है तो इसका मतलब क्या है कि जो अमित की हाइट है वो राधा की हाइट का कितना है टू टाइम्स है और क्या कह सकते हैं कि राधा की जो हाइट है वो अमित की हाइट का हाफ है ठीक है इसका क्या मतलब है कि अमित की हाइट राधा की हाइट का टू टाइम्स है लेकिन अगर हम ना? ओके तो अगर हम राधा की हाइट को पहले कंसीडर करते हैं राधा की हाइट तो देखिए राधा हाइट राधा की हाइट को हम अमित की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं तो राधा की हाइट को हम पहले लिखेंगे राधा हाइट इज टू अमित हाइट तो राधा की हाइट को हम पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर 80 इज टू वन सिक्सटी ओके इफ वी राइट दिस रेशियो इन फ्रैक्शनल फॉर्म सो वी विल मेक दिस फर्स्ट नंबर एज न्यूमिनेटर 80 upon second number as denominator 160. Okay, 0 0 will be cancel out 8 1 ja 8 8 2 ja 16. So, here we will get 1 upon 2. Now, you can see Radha's height is half of Amit's height. In the first case, what we have taken, we have considered Amit's height first, means we are comparing Amit Amit's height. टू द राधास हाइट ओके सो अमित हाइट इज़ टू टाइम्स ऑफ राधास हाइट ओके इफ बी कंसिडर राधास हाइट फर्स्ट मीन्स वी आर कंपेयरिंग राधास हाइट टू अमित साइट हम क्या कर रहे हैं पहले राधा की हाइट को अमित की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं ठीक तो है तो राधा की हाइट कितना आया हाफ ऑफ अमित साइड मीन्स वन बाई टू ऑफ अमित साइड ओके okay? तो आपको ये चीज़ भी रेशियो को निकालते टाइम याद रखना पड़ेगा जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पहले जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं उसका नंबर आपको पहले लिखना है बाद में जो क्वांटिटी ले रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखना है ठीक है सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द रेशियो फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ ओके okay. एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर यूनिट क्या होनी चाहिए उन क्वांटिटीज़ की सेम होनी चाहिए तभी कंपैरिजन पॉसिबल है जैसे कि यहाँ पर राधा और अमित की हाइट किस में सेंटीमीटर में ली हुई यूनिट्स आर सेम हेयर सो वी कैन ईजिली कंपेयर दैम तो अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स की क्वान्टिटीज़ रहती हैं तो पहले हमें उनकी यूनिट्स को सेम करना होगा ठीक है कन्वर्जन हमने सीख रखा है हाउ टू कन्वर्ट बिगर यूनिट्स इंटू स्मॉलर और स्मॉलर इंटू बिगर सपोज येयर वी हैव गिवन टू क्वान्टिटीज इन के जी एंड ग्रैम नाउ वी हैव टू कम्पेयर दैम इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ओके यहाँ पर इस टू का साइन है इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या रेशियो को कैलकुलेट करना है ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट फर्स्ट क्वांटिटी की क्या है के जी में और सेकेंड क्वान्टिटी की ग्राम में तो रेशियो हमें निकालना है इसका मतलब रेशियो इज जस्ट अ नंबर रेशियो जस्ट अ नंबर नॉट एनी क्वांटिटी रेशियो क्या होता है नंबर होता है क्वांटिटी नहीं होती है क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं उनको हम मेज़र कर रहे हैं तो उनकी यूनिट्स होंगी ठीक है लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो जस्ट अ नंबर दैट हैज़ नो यूनिट उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ठीक है अब क्यों नहीं होती दैट वी विल सी हेयर थ्री के जी एंड टू ग्राम तो सबसे पहले हम क्या करें इन दोनों ही क्वान्टिटी को सेम यूनिट में चेंज कर लें या तो हम इस के जी को ग्राम में चेंज कर दें या फिर इस ग्राम को के जी में चेंज कर दें जनरली हम क्या करते हैं बिगर टू स्मॉलर कन्वर्जन में ईजी रहता है इसलिए हम बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में चेंज करते हैं ओके सो हियर वी विल डू के जी ग्राम वी नो दैट वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम वन के जी टू थाउजेंड ग्राम वन के जी में कितने थाउजेंड ग्राम होते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं के जी इज बिगर यूनिट एंड ग्राम इज स्मॉलर यूनिट एंड वी आर कन्वर्टिंग के जी टू ग्राम बड़े से छोटा बिगर टू स्मॉलर ये चीज़ भी आपको यहाँ से याद रखनी है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं तो अगर हम के को ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए वन के जी इक्व टू थाउजेंड ग्राम देन थ्री के जी विल बी हाउ मच थ्री इंटू दिस थाउजेंड थ्री इंटू थाउजेंड मीन्स थ्री थाउजेंड ग्राम ओके okay? तो जब भी हम बिगर टू स्मॉलर करेंगे तो वन यूनिट में जितना भी वो स्मॉलर यूनिट होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है लाइक थ्री के जी के जी को हमें ग्राम में चेंज करना है तो हमें पता है कि वन के जी में थाउजेंड ग्राम होते हैं तो थ्री के जी में कितने हो जाएंगे थ्री थाउजेंड ग्राम ओके okay? आप देखिए और इसका अगर उल्टा करते हैं मीन्स स्मॉलर टू अगर हम बिगर यूनिट में चेंज कर रहे हैं सपोज दिस टू ग्राम को अगर हम के जी में चेंज करें तो क्या होगा स्मॉलर टू बिगर कर रहे हैं तो यही जो वन के जी में थाउजेंड ग्राम होते हैं वन यूनिट में जितना भी स्मॉलर यूनिट का नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं वैन एवर वी डू कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर यूनिट सो वी विल डिवाइड थाउजेंड यहां ग्राम से के जी में चेंज कर रहे हैं तो हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो, तो कितना हो जाएगा यहां पर टू अपॉन थाउजेंड के जी ओके एंड टू अपॉन थाउजेंड इज अ फ्रैक्शन बी चेंज इट इन डेसिमल सो हेयर इन डिनोमिनेटर देयर आर थ्री जीरो सो बिफोर थ्री डिजिट्स वी विल हैव टू पुट Decimal point. So, here only there is one digit. So, first we have to complete three digit So, 2, 0, 0, then decimal point and then 0. So, 0 0.002 kg. 2 gram equals to 0 0.002 kg. Okay. After decimal, we read digits separately, not as number okay 0 0.002 we will read it as 0 0.002 so this is how we convert smaller unit to bigger unit okay when we convert bigger to smaller then we have to multiply by whatever is in one unit 1000 okay if we convert smaller to bigger unit then we will have to divide by 1000 in case of kg and gram, ok. okay. So, so, 3 kg, if we remove this ratio, so we will get the fractional form. So, 3 kg upon 2 gram. So, if we convert kg into gram, so we will get 3000 gram divided by 2 gram. Now, see.

के जी से ग्राम में तो रेशियो क्या आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड इज टू वन सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेशियो इन केस ऑफ क्वान्टिटी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स ओके नेक्स्ट टॉपिक दैट कम अंडर रेशियो इज इक्विवेलेंट रेशियो इक्वीवाइलेंट रेशियो इक्वेलेंट रेशियो नेम ही इसका शो कर रहा है कि ये वर्ड किससे बना है इक्वल से बना है किससे इक्वल से सो व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज़ रेशियो को भी हम कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है रेशियो रेशियो एक नंबर है तो नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं ठीक है सो इक्वेलेंट रेशियो का क्या मतलब है वैन वी हैव टू रेशियोज एज इक्वल रेशियो जब आपको दो रेशियो इक्वल मिले दैन दोज रेशियो विल बी एक्ल एंड रेशियो ओके एक और चीज़ डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कंपेरिजन में रेशियो सेम हो सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है मतलब वहाँ क्वान्टिटीज़ डिफरेंट हैं और दो क्वान्टिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके रेशियो भी डिफरेंट होंगे रेशियो कैन भी सेम इन टू डिफरेंट कम्पेरिजन दो डिफरेंट कम्पेरिजन में रेशियो आपके सेम हो सकते हैं ठीक तो है तो इक्वलेंट रेशियो क्या रेशियो होते हैं वो रेशियो जो क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है आपकी सिचुएशन आपके कंपेरिजन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं जब आपके रेशियो आप उनके फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं इक्वल हों तो ऐसे रेशियोज को हम क्या बोलेंगे इक्वलेंट रेशियो ओके लाइक If we have to compare two ratio, suppose for example, we have ratio 2 is to 3 and 2 is to 5, 10 is to 15. Here we have 2 ratio 2 is to 3 and 10 is to 15. Now we have to compare these two ratio. So, how we will? So, first calculate this we will write it as 2 upon 3 now you can see in numerator and denominator there is no any common factor so it will be as it is now check to this 10 upon 15 in the table of 5 15 and 10 both comes so it means it is divided by 5 okay आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो जो भी आप चेंजेस न्यूमिनेटर में करते हैं वो आपको डिनोमिनेटर में सेम चेंजेस करने पड़ेंगे अगर यहाँ पर आप फाइव से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में तो आपको डिनोमिनेटर को भी फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है सो फाइव टू ज टेन एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन नाउ सी दिस रेशियो टू इज टू थ्री And if we are calculating 10 is to 15, we are getting 2 is to 3. So, it means if we simplify this ratio, we are getting at the end the same ratio. That is, means 2 is to 3 is equal to 10 is to 15. Ok. 2 upon 3 is equals to 10 upon 15. देखने में आपको क्या लग रहे थे कि ये रेशियो पता नहीं इक्वल होंगे इक्वेलेंट होंगे या नहीं होंगे तो जब हमने इनको कैलकुलेट सिंपलीफाई किया तो हमें क्या है सेम नंबर्स मिल रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या है इक्वल है तो ऐसे रेशियोज़ को हम क्या बोलेंगे इक्वेलेंट रेशियो हेयर टू इज टू थ्री एंड टेन इज टू फिफ्टीन आर इक्वेलेंट रेशियो ओके तो ऐसी बहुत सी कंपैरिजन होते हैं जहाँ पर इस तरीके से आपको नंबर कुछ और देखेंगे लगेगा कि ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते बट जब आप उन्हें सिम्प्लीफाई करेंगे सिंपल करेंगे कैलकुलेट करेंगे जब और कब तक आप सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि कॉमन पार्ट कुछ भी ना बच रहा हो ठीक है तो आपको जाकर पता चलेगा कि वो इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं है ओके नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस Suppose we have a ratio 1 is to 2 and 3 is to 5. Now we have to compare these two ratio. So, how we will do to this 1 is to 2 we can write 1 upon 2, ok, and to this 3 is to 5 we can write 3 upon 5. When we do comparison in fraction, you can see here these two fractions are unlike fractions because देर डेनोमिनेटर आर डिफरेंट इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं डिफरेंट हैं तो ये कैसे फ्रैक्शंस हैं अनलाइक फ्रैक्शन है सो फर्स्ट वी है विल हैव टू मेक दैम लाइक फ्रैक्शन क्या करना है सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस को लाइक like बनाना है तो लाइक like के लिए हम क्या करते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है तो डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेते हैं एल्सीयम लेते हैं तो जब हम टू और फाइव का एल्सीयम लेंगे तो क्या आएगा टेन आएगा इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर को टेन बनाना है और इसके डिनोमिनेटर को भी हमें टेन बनाना है तो देखिए वन अपॉन टू टू को टेन बनाने के लिए हमें किसका फाइव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो वी विल मल्टीप्लाई विद फाइव ऑन बोथ पार्ट्स डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला आपको फ्रैक्शन में अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम टू में फाइव का मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यूमिनेटर पार्ट में भी फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आ रहा है आपका फाइव अपॉन टेन ओके सिमिलरली हेयर थ्री अपॉन फाइव फाइव है फाइव को हमें क्या बनाना है टेन बनाना है तो फाइव में हमें टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू का डिनोमिनेटर में करना है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा सो टू थ्री टू जा सिक्स एंड फाइव टू जा टेन थ्री टू जा सिक्स एंड फाइव टू जा टेन नाउ यू कैन सी फाइव अपॉन टेन एंड सिक्स अपॉन टेन आर लाइक फ्रक्शंस सो वी कैन कंपेयर दैम नाउ सो फाइव अपॉन टेन एंड सिक्स अपॉन टेन न्यूमिनेटर किसका बड़ा है सिक्स अपॉन टेन का इट मीन्स सिक्स अपॉन्ट टेन इज ग्रेटर दैन फाइव अपॉन्ट टेन इफ वी राइट इन रेशियो फॉर्म सो वी विल राइट फाइव इज टू टेन दैट इज लेस दैन सिक्स इज टू टेन और वन इज टू टू इज लेस दैन थ्री इज टू फाइव इसका मतलब ये दोनों कैसे इक्वेलेंट रेशियो नहीं है क्योंकि जब हमने इन्हें कंपेयर किया तो वन इज़ कमिंग एज ग्रेटर देन अदर That is why these are not equivalent ratio and okay, we know that when we compare two ratios and we get two ratios as equivalent ratio then in mathematical form that equivalent sign means equal sign we will be represent y proportion. Okay, like 1 is to 2 is one ratio and another is 5 is to 10. So you can

दो कंपैरिजन को इक्वल शो so करते हैं तो वो इक्वलिटी हम किससे प्रोपोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब अगर इसको हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे वन अपॉन टू इक्वल्स टू फाइव अपॉन टेन इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट एज वन अपॉन टू ओके तो प्रोपोर्शन भी हमें याद रखना है कि वैन एवर वी गेट टू रेशियोज एज इक्वल रेशियो ओके वैन एवर वी नेक्स्ट ऑप

ठीक है उसके बाद मोर देन वन जितने भी रिक्वायर्ड नंबर के लिए हमसे पूछा जाता है हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ओके दैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ यूनिट्स ओके जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल सपोज ट्यूशन फीस ऑफ टेन स्टूडेंट इज रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वट विल बी द फीस ऑफ टू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि टेन स्टूडेंट्स की फ़ीस कितनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है और आपसे पूछा जा रहा है कि टू स्टूडेंट्स की कितनी होगी तो सबसे पहले अब यहाँ पर हमें क्या कौन सा माथा यूनिटरी मैथड यूज़ करना है यूनिटरी मैथड में हम क्या करते हैं पहले अब यहाँ पर हम फीस की बात कर रहे हैं और कितनी बच्चों की फ़ीस की टेन स्टूडेंट्स की फ़ीस की बात हो रही है ठीक है टेन स्टूडेंट्स की फ़ीस आपको दे रखी है तो टेन स्टूडेंट्स की फीस दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वन स्टूडेंट की फीस को कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए फीस ऑफ टेन स्टूडेंट्स इज हाउ मच रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ओके टेन स्टूडेंट्स की फीस कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपको दे रखी है हमें कैलकुलेट पहले किसके लिए वन के लिए करना देन फी ऑफ फीस ऑफ वन स्टूडेंट तो जब हम वन के लिए करेंगे तो ये जो फीस है जो आपको गिवन है उसको हम कितना नंबर दे रखा है? टेन स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को हम किसे टेन से डिवाइड करेंगे ठीक है एक स्टूडेंट की फ़ीस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जो टोटल फीस दे रखी है उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो कितना आया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये वन जीरो से वन जीरो कैंसिल सो यू आर लेफ्ट विद 2500 मींस 2500 यूनिटरी मेथड में क्या होता है आपको जो गिवन है उसकी हेल्प से हम पहले वन यूनिट की वैल्यू निकालते हैं अब वन यूनिट यहाँ पर यूनिट क्या है वन स्टूडेंट उसकी वैल्यू क्या है फीस है ठीक है तो हम एक स्टूडेंट की फ़ीस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वन स्टूडेंट की फ़ीस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल फीस हमें दे रखी है उसको हम नंबर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितना दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे ठीक है तो वन स्टूडेंट की फ़ीस आपकी कितनी आ गई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज ओके नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फीस ऑफ टू स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपको कितना मोर देन वन के लिए पूछा जा रहा है ठीक है अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या जब मोर देन वन का आपको दे रखा हो और वन के लिए कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना है डिवीज़न करना है ठीक है और जब हमसे मोर देन वन का पूछा जाएगा तो हमें वन का जितना दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो फीस ऑफ टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा वन की कितनी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो टू स्टूडेंट्स की कितनी हो जाएगी इन टू टू मतलब वन का जितना हमें फ़ीस दे रखा है उस वन की फीस से हमें कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स जितना हमें निकालना है टू स्टूडेंट का उससे मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो यहां पर यूनिटरी मेथड में दो चीज हमें याद रखनी है कि मोर देन वन का हमें दे रखा होता है और वन का हमें कैलकुलेट करना है वन यूनिट का तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है और जब हमें वन का पता चल जाए और मोर देन वन का निकालना है तो हम उस वन यूनिट की वैल्यू से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है इस तरीके से तो यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत यूजफुल है so that's all for today's session in which we have discussed the intro part of comparing quantities in which we have discussed ratio equivalent ratio than unitary method if you have any query doubt related to today's session can ask on comment section and in my next upcoming session we will discuss the exercise 8.1 till then keep watching my channel thank you